चलिए हम लोग नया गीत गाएंगे और नया गीत है क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। उसके पहले गीत को गाने के पहले हम लोग पौलुस के जीवन से देखेंगे कैसे पौलुस जो एक यहूदी था और जो मसीहियों को सताया करता था और कैसे उस स्टीफनुस को जब मारा जा रहा था वो हजारों की भीड़ में तो उसमें भी वो सहभागी था। हम लोग देखते हैं वहां पौलुस की मौजूदगी वहां बताई गई है और पौलुस आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क की मार्की ओर जा रहा था क्योंकि वो एक यहूदी था और यीशु मसीह को मसीह के रूप में नहीं देखता था, नहीं विश्वास करता था। परंतु मार्ग में वो चमकती हुई रोशनी को देखता, उसके सहभागी लोग भी देखते हैं, परंतु उसकी आंखें चौंधियाने के साथ साथ वो उसकी आवाज भी सुनता है कि हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। तो वहां हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो एक यहूदी था जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मसीह नहीं माना था, वो भी बाकी यहूदियों की तरह था जो यीशु मसीह को एक झूठा भविष्यवक्ता, एक झूठा मसीहा मानता था। वो स्टीफन के हत्या में एक गवाह के रूप में था, सहभागी था और भी जो नए मसीही बन रहे थे उनको सताने के लिए वो दमिश्क के मार्ग की ओर जा रहा था आज्ञा पत्र लेकर, परंतु रास्ते में उसकी आंखें चौंधियाई दमिश्क के मार्ग में और वो अंधा सा हो गया, हम लोग जानते हैं 3 दिनों के लिए। और उसके बाद यीशु मसीह की आवाज सुनता है, हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। और इसके बाद हम लोग देखने पाते हैं कि शाउल यही पौलुस जिसने यीशु मसीह के लोगों को घात करने के लिए, दंड देने के लिए, सजा देने के लिए जो आज्ञा पत्र लेकर जा रहा था और उसने खुद कहा है, मैं ऐसा उतावला हो जाता था, ऐसा बावला सा हो जाता था कि जो नए मसीही बन रहे थे उनको लज्जित करो, उनको दंड दो। परंतु यीशु मसीह उसकी आंखों को खोलते हैं, महायाजक ठहराते हैं उसके लिए, आंखों को खोलते हैं। यीशु मसीह वो महायाजक है जिसने हमारी आंखों को खोला है और पौलुस जो शाउल कहलाता है, हम लोग जानते हैं कैसे दुख उठा उठा के, कैसे मार खा खा के उसने नगर नगर में, कलिसिया से कलिसिया घूम घूम के, हम लोग जानते हैं कुरिन्थ से लेकर इफिसस सब जगह उसकी पत्री हम लोग पाते हैं कैसे पौलुस में प्रभु ने प्रचार किया। तो यहां हम लोग देखने पाते हैं यदि हम लोग अपने चाल चलन से, अपने कर्मों से पहले प्रभु के विरोधी भी थे और उसको दुखी भी कर रहे थे, उसको शोकित भी कर रहे थे, तब भी प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है, वो हमें नहीं त्यागेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें बड़े बड़े काम करेंगे क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया है, तो वो हमारे लिए दुख उठाएंगे और वो हमें बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो आइए गीत हम लोग गाते हैं जो गीत हमने कहा, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। और जैसे ये प्रोग्राम है वर्ड एंड वर्शिप, प्रभु की संगति में होकर हम लोग वचन और स्तुति के सहभागिता में होकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो भी कमी रह गई हमारी तरफ से सब प्रभु की ओर से है, तो प्रभु हमें उठाते हैं और हमारे में अपने कार्य प्रकट करते हैं। और जो भी नेटवर्क फॉल्ट है उसके लिए भी हमें खेद है, परंतु हम आशा करते हैं कि आप लोग फिर से जुड़ेंगे और जो हमारे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है उसको दरकिनार करके आप दोबारा जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में और प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। तो आइए हम लोग जो अगला गीत गाएंगे, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आप सभी भी गाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि फिर कोई इंटरनेट फॉल्ट जो हमारा कनेक्टिविटी में हो रही है वो ना हो। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या
तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्ग में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध हो के आ, मन शुद्ध के लिए सोता बहती है, उसके लहू में शुद्ध हो के आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आइए एक और गीत हम लोग गाएंगे, गीत के बोल है, हम लोग भाई से कहेंगे कि वो गीत को खोजे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, हम लोग जानते हैं ये बहुत ही प्रिय गीत है, और जब भी हम लोग सभाएं करते हैं या सभाओं में जाते हैं, हम लोगों ने आज तक कोई सभाएं तो की नहीं है, परंतु हम जब भी मसीह कलीसिया के सभाओं में सहभागी होते हैं, चर्च के या और भी विभिन्न भाई बहनों के यूथ के, तो हम लोग उस गीत को प्रायः सुनते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग जब उस गीत को सुनेंगे तो बहुत आयत की आशीष को रिसीव करेंगे, हर एक गीत के साथ, हर एक मैसेज के साथ रिसीव करेंगे, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, जैसे पौलुस ने खुद को सौंपा, हाँ प्रभु मैंने आपको शोकित किया, मैंने आपको सताया, मैं अंधा था परंतु आपने मेरी आंखें खोली, हाँ प्रभु मैं पतरस के समान था, मैं खुद से कलीसिया का सदस्य बनने के काबिल नहीं था, खुद से कुछ भी ना पकड़ा था, आपने मुझे पकड़ा है, आपने मुझे छुड़ाया है, मैंने आपका इनकार किया लेकिन आपने मेरा इनकार नहीं किया, आपके दाहिने हाथ की सामर्थ्य से मैंने जाल डाली औरों को ले आया, मरियम मगदलीनी के समान हम लोग प्रभु के चरणों में आएंगे, अपना धन, अपना तन, अपना जीवन संपूर्ण मन से प्रभु के चरणों में मृत्यु में बोएंगे, उनके गाड़े जाने के दिन के लिए जैसी गवाही यीशु मसीह ने स्वयं कही, उन चेलों के समान नहीं जो कंगालों को दान दक्षिणा करके प्रभु की भलाई समझते थे, नहीं, पहले हम प्रभु के चरणों में आए, प्रभु की भलाई आप हम में कार्य करेगी, हम कंगालों को दान देकर प्रभु की भलाई नहीं कर सकते, वहां पर यीशु ने कहा भी उनके चेलों का मन उस धन के ऊपर था जो दान डाला जा रहा था, और उन्होंने उसका मूल्य भी लगा दिया, हम लोग वैसे ही चेलों के समान है, हम लोग यीशु मसीह के सुसमाचार के मूल्य को नहीं लगाते, परंतु मरियम मगदलीनी ने वो जो इत्र डाला, आंसुओं से उसके पैरों को पोछा, बालों से पोछा, हम लोग देखते हैं कि चेले उस मूल्य को छोड़कर उस दिनार में भरे इत्र जो टूट गया, जो सांसारिक धन, जो कुछ भी मरियम मगदलीनी के पास जो बेस्ट था उसके परिवार का, उसने यीशु के चरणों में डाल दिया, और यीशु ने कहा उसे मत रो, भले ये चेलों को 300 दिनार का लग रहा था, एक दिनार बराबर एक दिन की मजदूरी, इसराइल में एक दिनार का सिक्का माने एक दिन की मजदूरी मानी जाती थी, एक दिहाड़ी, एक दिन की मजदूरी, 300 दिनों की मजदूरी के बराबर उस सुगंधित इत्र को उसने चरणों में डाला, चेलों के नजरों में यह व्यर्थ हो गया, कंगालों को बाट के, कंगालों को बेच के धन देकर अच्छी आशीषें पाई जा सकती थी, कलीसिया का प्रचार हो सकता था या कुछ और काम हो सकता था, परंतु यदि हम यीशु मसीह में बोएंगे वो आप हमें कार्य करेंगे, क्योंकि यदि हम अपने बल से कंगालों को सेवा करेंगे तो हमारे मन में वही घमंड आएगा जो इज़राइल और यहूदियों के फरीसी और शास्त्रियों में था, जो अपने कर्मों से अपने आप को धर्मी समझते थे, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो जो चेले थे जो इस बात को कहते हैं यीशु मसीह के सामने कि हे प्रभु ये इत्र 300 दिनार में बेचा जा सकता था कंगालों को, वहां पे आप लोग देखिएगा वचन में यहूदा इस्करियोती का जिक्र है, यहूदा इस्करियोती वो चेला है जिसके पास थैली रहती थी, और वही यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी उस थैली में डाला जाता था उससे निकाल लेता था,
तो यदि आज हम कलीसिया के सदस्य हैं, यदि आज हम यहूदा इस्करियोती के समान प्रभु के साथ हैं, प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं, सहभागी कर रहे हैं, परंतु यदि थैले की जिम्मेवारी, प्रचार की जिम्मेवारी हमारे पास है, परंतु यदि हम इस चिंता में रहेंगे कि हम कंगालों की सेवा करेंगे और प्रभु में मन नहीं लगाएंगे और अपने आप को धर्मी ठहराने की चिंताओं में रहेंगे, जैसा यहूदी इस्करियोती था, जैसे और चेले थे, इस बात को छोड़ के कि हम अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपें, उनकी सहभागिता में सेंटमेंट हम में कार्य होगा, नई धार्मिकता और नया आत्मा हम में उत्पन्न होगा। और हम लोग देखते हैं वही यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के के बदले यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यहां वचन साफ साफ कहता है जो कलीसिया का भार उठा रहे हैं, जो खजांची हैं या जो ऊंचे पद पे हैं, जिनको कलीसिया की बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, वो उस जिम्मेवारी में इस बात के लिए सावधान रहें कि अपने आप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उस धन का गलत इस्तेमाल ना करें। और जो यीशु मसीह के समझ को छोड़कर अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी समझ से कंगालों की भलाई करना चाहते हैं, वो ठोकर खाते हैं। हर एक चेला ठोकर खाया हम लोग देखते हैं। उनको तो यीशु मसीह के मर के जी उठने में भी संदेह था, इसलिए हम लोग देखते हैं थॉमस ने उसके छेदे पांजर में उंगली डाली, पतरस दौड़ा कब्र की ओर, हम लोग देखते हैं ऐसा ही हर एक चेला का हाल था। परंतु मरियम मगदलीनी ने अपना जीवन, अपना तन मन धन, बहुमूल्य इत्र, अपना 300 दिनार की मजदूरी जिसका मूल्य चेलों ने लगाया था, अपना सब कुछ यीशु के चरणों में डाला था। यीशु ने कहा यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए करती है, और उसने पुनरुत्थान को देखा। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे यहूदा उस थैले के कारण ठोकर खाया, कैसे वो चेले जिन्होंने 300 दिनार का मूल्य लगाया था, कैसे वो ठोकर खाए। तो हम लोग देखते हैं हम लोग प्रभु के दिए गए दान का कभी भी मूल्य नहीं लगाए और कभी भी उस थैले का गलत इस्तेमाल ना करें। और हम लोग देखते हैं वही यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया और उसको चूमा, वहां प्रभु ने साफ साफ प्रकट किया जो संसार के लोगों के सामने मेरी सेवा दिखावटी रूप से करते हैं और मेरे नाम पे जो कुछ भी मिलता है उस थैले में उसका अनुचित इस्तेमाल करते हैं, वे मुझसे लोगों के सामने प्रेम तो दिखाते हैं कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु वे मुझे क्रूस पे चढ़ाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उस यहूदा इस्करियोती का क्या हाल होता है, वो अपने आप को फांसी पे लटकाता है। दो जगह उसका सुसमाचार में जिक्र है, दो इंजिल में, मत्ती मरकुस लुका यूहन्ना, 4 सुसमाचार है इंजिल का। हम लोग देखते हैं उसमें दो किताब में इसका जिक्र है। एक जगह उसको दर्शाया गया कि उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, और एक जगह लिखा गया कि उस गिरा और उसकी अंतड़ियां भी निकल गई, क्योंकि उसने जीवन की रोटी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, इसलिए उसका पापी पेट जो उसे यीशु मसीह के सेवा में धन मिला था जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया था, वही उसका कारण बना, उसका पेट, उसकी अंतड़ियां भी फट गई। और जब उसको एहसास हुआ तो वो चांदी का सिक्का दोबारा यहूदियों ने अपने भंडार में नहीं रखा, क्योंकि वहां नियम था जो दंड का भाग होता है, जो सजा का भाग होता है, जो व्यवस्था में एक बार दे दिया जा चुका होता है, उसको दोबारा रखा नहीं जाता मंदिर के भंडार में, और उन्होंने उसको फेंक दिया, यहूदा फेंक के उनके पास चला गया। तब उन फरीसियों और शास्त्रियों ने, व्यवस्थापकों ने कहा वहां पे, इसको हमारे भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये तो लहू का दाम है। इसलिए उन्होंने क्या किया उससे, वहां बाइबल कहती है लहू का खेत मोड़ लिया बाहर। कहने का मतलब है जो यीशु मसीह के नाम पे धन बटोरते हैं, लोगों के सामने दिखावटी प्रेम रखते हैं और उसको दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं, कंगालों की सेवा दिखावा के लिए करते हैं और यीशु मसीह को नहीं सौंपते हैं, वे कलीसिया के साथ नहीं मरेंगे, बाहर अलग जगह लहू का खेत। उनको यीशु मसीह के विश्वास में मृत्यु नहीं मिली और नहीं मिलेगी जो ऐसा कार्य करते हैं, जिन्होंने उस पवित्र वाचा के लहू जिसके द्वारा हम पर मोहर दी गई है उद्धार के लिए, जिन्होंने उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जिसके द्वारा हम पर छाप दी गई है, यदि हम उस पवित्र लहू को शोकित करेंगे और उस पवित्र आत्मा जिसके द्वारा हम पर उद्धार का अनंत जीवन का मोहर दिया गया, यदि हम उसको दुखी करेंगे तो हम बुलाए तो जाएंगे परंतु चुने नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु ने बुलाया क्यों छोड़ दिया, प्रभु ने नहीं छोड़ा, हमने यीशु मसीह के चरणों को छोड़कर जैसा मरियम ने किया था, मगदलीन ने उसको छोड़कर वो थैला
यहूदा स्मृति के समान वो धन, वो 30 चांदी के सिक्के और वो कंगालों की सेवा, इसलिए नहीं कि हम यीशु मसीह के चरणों में थे, इसलिए कि लोग जाने कि हम यीशु के चेले हैं और हम बहुत धर्मी हैं, ये दिखाने के लिए वो ऐसा काम करना चाहते थे और करते थे। और यीशु उनके मनों को जानता था। हम लोग हर एक वचन पे देखते हैं यीशु अपने चेलों के मन को जानता है। तो आइए हम लोग जो इस बात को देखें कि यहूदा ने भी गलती की, और कहीं हम लोग वैसा गलती ना कर रहे हो कलीसिया के प्रचार के काम में, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जब प्रचार करते हो तो हम लोग अपने आप को चेला या कोई भविष्यवक्ता या कोई याजक या कोई राजा या कोई सम्माननीय माननीय पदाधिकारी जो थैला रखता है या खजांची, किसी पद पे हम लोग नहीं बंधे। तू बढ़े और मैं घटूं, हम लोग अपने आप को किसी रेपुटेशन में नहीं बांधे। यदि हम लोग अपने आप को रेपुटेशन में बांधेंगे, इस जीवन और जीविका पे घमंड करेंगे, इस थैले और धन पे घमंड करेंगे, तो यहूदा स्तुति के समान हमारा हाल हो जाएगा। और उन चेलों के समान हम लोग यीशु मसीह का मूल्य तो नहीं जानेंगे, लेकिन वो संसार के इत्र जो यीशु मसीह की सेवकाई के लिए डाला गया, हम लोग उसका मूल्य आंकते रह जाएंगे, परंतु कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इसराइलियों की गलती से सीखें, और जो जो गीत हमने गाए हैं कि प्रभु हमें उठा रहा है, प्रभु हमें निकाल रहा है पाप के दासत्व से, प्रभु हमें जिला रहा है अपने सुसमाचार में, तो सारी सृष्टि का मालिक वो है। इन सब उदाहरण जो हमने दिया, मरियम मग्दलीनी, मार्था, लाजर, पतरस, पौलुस, थॉमस, इजरायली जो मिस्र की गुलामी में गए, मूसा के द्वारा निकाले गए, जो बेबीलोन के गुलामी में गए, वहां दानियल के द्वारा प्रभु ने कार्य प्रकट किया, नबूकदनेस्सर राजा पे अपनी भविष्यवाणी प्रकट की जो हम लोग दानियल पे देखते हैं, इन सब बातों से क्या पता चलता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा काबिल नहीं है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। इसलिए सारा बोझ प्रभु को डाल दे, अपना सारा बोझ और सारी चिंता उस पर डाल दे, उसको हमारा ध्यान है, वो हमें शिरोमणि बनाएगा। तो आइए इस गीत को हम लोग गाएं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। हम लोग जानते हैं ये गीत बहुत ही फेमस गीत है, और हम तो लगभग हर एक दिन इस गीत को सुनते हैं, और सोचते हैं कि आप सब भी सुनते होंगे, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में, हर एक सभा में ये गीत तो बजता ही है, हर एक हिंदी जो मसीही सम्मेलन होता है। तो आइए इस गीत को गाते हैं और प्रभु की स्तुति को और एक नए लेवल पर, एक नई ऊर्जा के साथ ले चलते हैं। और यीशु मसीह हमारे साथ आनंदित है, पवित्र आत्मा का आनंद हमें उतर रहा है, पवित्र आत्मा का आनंद हमें भरा है। यद्यपि हम उसके काबिल नहीं है उस अभिषेक के, यीशु मसीह के मांस और लहू के, परंतु प्रभु ने हमें अभिषेक किया है क्रूस के द्वारा, प्रभु ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु ने हमें अभिषेक किया है अपने मांस और लहू के द्वारा, और श्राप को मिटा डाला है हमारे जीवन से। इसलिए आइए जो भी हमारे प्रोग्राम में, आप में, बताने वालों में, सुनने वालों में, संगति करने वालों में, एक परिवार में जो भी कमियां रह गई, उसको हम लोग छोड़ते हुए प्रभु की महिमा और स्तुति करते हैं, और इस प्रोग्राम को और भी आनंदित और भी उत्साह से भर देते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, हा हा हा।
हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, तो इस गीत के द्वारा हम लोग आशा करते हैं कि आप सब हम लोगों के साथ गाएं और प्रभु की बहुत आयत की आशीष को होली स्पिरिट के ब्लेसिंग्स आप सबने वर्शिप के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अपने जीवन में आने दिया है और आप सब पाए हैं, क्योंकि आज जहां प्रभु का वचन दो या दो से अधिक के बीच में होता है प्रभु उनके बीच में होता है। आज हमारे साथ सेनाओं का यह हुआ है, हमारा अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हम इन होठों से तो स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का मांस और लहू हम में कार्य करता है। हम अपनी समझ के अनुसार ये स्तुति ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हर एक बाधाओं से पार पाके जैसे यीशु ने अपने चेलों को उस डोलते नाव से बचाया, जब वो आंधी आई हम लोग जानते हैं यीशु मसीह सो रहा था। प्रभु ने इस घटना का वर्णन हमारे जीवन में लाया, क्यों लाया? ताकि हम लोग जाने कि जब हम लोग यीशु मसीह के साथ हैं तो हम लोग जिस प्रकार यीशु विश्वास में सोया हुआ था, कलीसिया को उस विश्वास में सोना चाहिए। आज कोरोना वायरस के काल में जो चर्चेस बंद है, जो सुसमाचार का कार्यक्रम बंद है, जो प्रचार का कार्यक्रम बंद है, हमने ईस्टर को ऐसे ही मनाया बिना एकत्रित हुए, उस क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान जो हम लोग जी उठने अपने परिवार वालों का त्योहार जो मनाते हैं विश्वासी भाई बहनों का कि मसीह में जी उठे, हमने घरों में रहकर बनाया, बहुत दुख उठाए और उठा भी रहे इस कोरोना वायरस के काल में, और आज भी हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आज हमारे पास मौका है ऐसे ऐसे कार्यक्रम के द्वारा संगठित होने का। तो उस नाव की घटना को हम लोग याद करें, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला, एक गाना भी है, हम लोग बोलेंगे भाई को कि वो गाना निकाल के रखें, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, इस संदेश के बाद हम लोग वो गाना को गाएंगे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माछे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला, ये अगला गीत हम लोग गाएंगे। परंतु इसके पहले हम लोग देखेंगे कि नाव में यीशु नाव के पीछे सोया हुआ था। जो प्रभु के विश्वासी हैं, जो प्रभु के साथ हैं, वो प्रभु में निश्चिंत सोए। जैसे जब प्रभु ने लाजर को मुर्दों में से निकाला, प्रभु ने ये नहीं कहा लाजर मर गया था,
वो सो गया है अपने बाप दादाओं में, और जब न्याय का समय आएगा हम लोग पुनरुत्थान के समय जी उठेंगे। और प्रभु ने चौथे दिन, चार दिन बीतने के पश्चात लाजर को जिलाया। हम लोग देखते हैं सृष्टि के शुरुआत में प्रभु ने चौथे दिन दिन को अंधियार से अलग किया था। वो यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से उठाया, वो यीशु मसीह ने आंधी को डांटा थम जा, और वो आंधी थम गई, वो लहरें थम गई, और चेले डर गए, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी बातें सुनते हैं। तो वहां हम लोग देखते हैं वो ईश्वर के प्रभुता और अधिकार को दर्शाता है। जैसे आज जो हम लोग ये वर्शिप कर रहे हैं, ये हम लोग जो वर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्शिप एंड वर्ड, वर्ड एंड वर्शिप, वचन की स्तुति और वचन से प्रभु की महिमा साथ साथ हो रही है सुसमाचार के परिवार में। आज प्रभु हमारे बीच में है, उन्होंने उस तूफान को, उस लहर को थाम लिया है, और हम लोग विश्वास के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा नहीं हो रही है। आप में से कोई ये ना सोचे कि आज जो अद्भुत वचन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो गीत हम लोग गा रहे हैं, आपसे जो साझा कर पा रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं। सारी सहभागिता और सारी महिमा परमेश्वर यहोवा की है, सेनाओं के यहोवा की है, जिसने अब्राहम से, इसहाक से होकर, याकूब से होकर हम में वाचा बांधी, और याकूब को इज़राइल ठहराया, और इज़राइल के 12 गोत्र, 12 राज्य, 12 जातियों में से हमें निकाल लाया है। और आज रांची, हम लोग जानते हैं कुछ दिन पहले हमें ऑटोनोमस दिवस मनाया, कैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय दिक्कतें आई, कठिनाई आई, हमारे मिशनरी चले गए, परंतु यह हमारे लिए अवसर रहा कि हम आत्मनिर्भर बने। वो दुख तकलीफ इसलिए आया कि हमारे लोकल लोग जिनको प्रभु ने बुलाया, अब प्रभु उनको पत्थर बना रहा है कि आप कलीसिया की जिम्मेवारी आप अपने कंधे के ऊपर लीजिए। वो आपको पूछ नहीं बनाता, सिंह बनाता है। जितनी उनको अगुवाई चाहिए थी जर्मन मिशनरी की, प्रभु ने उनको दिया। और वो दुख का समय जब आया, प्रथम विश्व युद्ध, जब वो लोग लौट गए जिम्मेवारी सौंप के, जब जीएल चर्च इन छोटानागपुर आसाम बना, रजिस्टर्ड हुआ, उस समय जो विश्वासी यहां के, तो उन्होंने कार्यभार लिया, यहां के अध्यक्ष चुने गए, यहां के सेक्रेटरी चुने गए, हम लोग वाकिफ है। तो जब दुख तकलीफ आता है, जब बाधाएं आती हैं, वो हमें विश्वास देने के लिए आती है कि हम आंधी तूफान को डांटे यीशु मसीह के नाम में, और निश्चिंत सोए जैसे लाजर सोया हुआ था। जिससे यीशु प्रेम रखता है, लाजर से प्रेम रखता है, बाइबल कहती है उसको जिलाया। उसने मार्था की शुद्धि ली, उसने मरियम मगदलीनी को अपने आप को पुनरुत्थान देह के साथ दिखाया, जिसने यीशु मसीह में बोया। इसके अलावा दूसरी घटना जो हम लोग देखते हैं, पतरस एक बार जब यीशु चेलों को नाव में जाने को कहते हैं, और आधी रात के पश्चात पानी पे चल के आते हैं, चेले भूत सोच के डर जाते हैं, परंतु जब यीशु कहता है मैं हूं, ये मैं हूं दर्शाता है वो परमेश्वर को जिसने अपने आप को मूसा के सामने प्रकट किया था, मैं हूं। मूसा कहता है मैं जाकर क्या कहूंगा, मुझे किसने भेजा है? तो उसने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं, कहना यहोवा ने तुझे भेजा है। और यहां यीशु मसीह कहता है मैं हूं। तो आज वही मैं हमारे साथ, हम में से कोई भी कुछ नहीं है, ये मैं हम और आप नहीं है, ये मैं एक देह और एक आत्मा में, यीशु मसीह के देह में और पवित्र आत्मा में परमेश्वर की कलीसिया है, जो विभिन्न कठिनाई से, उस आंधी तूफान से निकल कर आई है, बच के आई है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ निश्चिंत सो रहे हैं इस दुख की घड़ी में भी, और यीशु मसीह के साथ ही जाग रहे हैं। हर एक दिन यहोवा ने बनाया उसमें आनंदित है। और पतरस को चलने की इच्छा होती है, वो थोड़ी दूर चलता भी है, परंतु जब लहरें उठती है उसका विश्वास डगमगाता है। जब तक उसने लहरों की ओर ध्यान नहीं दिया था, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, परंतु जैसे उसने लहरों की ओर ध्यान दिया, उसका विश्वास, उसकी नजर घटी, नजर हट गई उसका, और दुर्घटना घटी। तो यदि हमारा विश्वास से नजर घट जाएगा यीशु मसीह से, सुसमाचार से, विश्वास में, तो हम दुर्घटना के शिकार होते हैं, और शैतान हमारे लिए फंदा लाता है। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को चिताया था क्रूस मृत्यु के पहले, हे पतरस, शैतान ने मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। शैतान को यह बल कहां से मिला? जब हम लोग अपने घमंड से चलते हैं, विश्वास में कमजोर रहते हैं, तो हम लोग डूबने लगते हैं। जब हम लोग विश्वास में कमजोर रहते हैं, तो आंधी तूफान से डरते हैं। जब हम लोग अपने कर्मों पर घमंड करते हैं, जैसे पतरस ने किया था, मैं तेरे लिए इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जान दे दूंगा, हम ठोकर खाते हैं। वो मुर्गे का बांग देना, हम लोग जानते हैं मुर्गा का बांग देना दिन के आने का चिन्ह है। उसके बांग देने के पहले हम लोग अंधियारे में है। कहने का मतलब है, जो अपने कर्मों से ये कहते हैं कि मैंने यीशु के लिए ये कर दिया, मैं यीशु के लिए ये कर दूंगा, जान दे दूंगा, कंगालों की सेवा करूंगा, मैंने अपने सामर्थ्य से किया, मैं अपने बल से उसके पास पहुंच जाऊंगा, उस पानी पे हम लोग नहीं चल सकते हैं, उस बपतिस्मा के पानी पे यीशु मसीह हमें चलाएगा। और पतरस से गिरता है, यीशु अपने दाहिने हाथ से उसको दाहिने हाथ से उठाता है। तो वही दाहिना हाथ जिसने पतरस को दाहिनी ओर जाल डालने को कहा,
और उसको चुना और अरुण को ले आया, जीवित मनुष्यों को मछली, जिनका जीवन जल है वही बपतिस्मा हमें बचाता है, वही पत्रस को पत्थर बनाया कलीसिया का, वही पत्रस को जिसने इनकार किया परंतु शिरोमणि चेला बनाया जिस पर कलीसिया खड़ा की, और वही पत्रस जो लोग भयभीत हो गए थे नाव में, उनको आंधी और तूफान से सामना करना सिखाया, विश्वास के द्वारा सामना करो, और उनको चलना सिखाया, अपने दाहिने हाथ से उनको उठाया। इसके बाद जो हम लोग दो उदाहरण देखेंगे, ये दो घटनाएं का है हम लोग जानते हैं, और इसके बाद हम लोग गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे उस गीत के साथ। तो ये दो घटनाएं हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह जो भीड़ को भोजन खिलाते हैं, 5,000 की भीड़ और 4,000 की भीड़ का वर्णन है। वहां हम लोग देखते हैं कि यीशु चेलों के साथ उनको सुसमाचार सुना रहा था, बड़ी भीड़ उसके साथ थी, शाम हो चली थी, उनके पास चेलों के पास कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। तो चेलों ने कहा, क्योंकि चेले यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो नहीं जानते थे कि हमारा मसीह क्या कर सकता है। जैसा इजरायली जब जंगल में थे तो उसे नहीं मालूम था कि मूसा के साथ परमेश्वर वो हमारे लिए प्रबंध करेगा, इस एक्सोडस में भी, इस निर्गमन में भी। और हम लोग देखते हैं कि चेले कहते हैं, हे प्रभु इन्हें जाने की आज्ञा दे कि अपने लिए भोजन मोल ले ले। यीशु कहता है तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। यहां वचन साफ साफ कहता है यीशु जानता है उनके पास कुछ भी नहीं है, यीशु जानता है, उसके बाद भी उनको विश्वास दे रहा है तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। तो यहां वो कहता है जब तुम मेरे साथ हो, जब यीशु तुम्हारे साथ है, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास भोजन नहीं है, और जो और लोग तुम्हारे पास सुसमाचार को आते हैं तुम क्यों उनको ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हो। यदि आज हम लोग प्रभु में है, प्रभु की कलीसिया है, तो हम किसी के मोहताज नहीं है, हम किसी के मोहताज प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे। प्रभु का वो सामर्थी हाथ जिसने उन टोकरियों को उठाया, 12 टोकरियों को इज़राइल की 12 जातियों को, 12 गोत्रों को, 12 राज्यों को दर्शाता है। अब्राहम से इसाक, जो अब्राहम पुत्र नहीं जन सकता था, जो सारा पुत्र नहीं जन सकती थी, प्रभु ने इसाक को आशीषित किया। जो रिबका पुत्र नहीं जन सकती थी, प्रभु ने जैसे अब्राहम की प्रार्थना को सुना, प्रभु ने इसाक की प्रार्थना को सुना और रिबका का गोद भरा, उसको याकूब और एसाव दिए। परंतु प्रभु बड़ों को ठुकराता है जो सांसारिक शारीरिक भोजन के पीछे भागते हैं। हम लोग देखते हैं एसाव जो एक खाने की वस्तु के कारण अपना पहलौठे का अधिकार को बेच देता है, उसको पहलौठे का अधिकार छीन जाता है और याकूब को मिलता है उसकी मां की सहभागिता के द्वारा, और उसको बड़े पुत्र की तरह तैयार किया जाता है जिस प्रकार एसाव तैयार होता था याकूब को। तो यहां हम लोग देखते हैं अब्राहम जो एक बुजुर्ग था, सारा जो एक बुजुर्ग थी, जो जन नहीं सकते थे, प्रभु ने उनको चुन लिया, उनके द्वारा इसाक, इश्माइल जो बड़ा पुत्र था, जो दासी का पुत्र था, प्रभु ने उसको दूर कर दिया। व्यवस्था पाप के दास को दर्शाती है, जो पाप के दासत्व में है वे प्रतिज्ञा के संतान नहीं है, वो अन्य जाति गिनाते हैं, उनको दूर कर दिया। आज प्रभु सुसमाचार के द्वारा उन जातियों को भी, अरब जातियों को भी, बाकी जातियों को भी खोज रहा है। परंतु प्रभु ने अपनी वाचा इसाक से बांधी। उसके बाद देखते हैं इसाक, प्रभु कितनी चिंता करता है कि वो कनानी जाति की स्त्रियों या मुआबी जाति की स्त्रियों के चक्कर में ना फंसे, शैतान के जाल में। प्रभु ने उसके लिए अपने गोत्र में से रिबका को लाया, और रिबका से जो रिबका ही बांझ थी, प्रभु ने वहां दर्शाया वो इशाक भी काबिल नहीं था, उसने उसकी प्रार्थना सुनी और 2 पुत्र उसको दिए। परंतु वाचा प्रभु ने याकूब से बांधी, एसाव से नहीं। वहां दर्शाया गया है जो जन्म के समय उनमें जो टसल था, एक दूसरे का हील, हम लोग देखते हैं कि एसाव पहले पैदा हुआ परंतु वो नीचे की तरफ था और उसके पैर को पकड़ा हुआ याकूब था। तो एसाव नीचे की तरफ था, उसके पैर को पकड़ा हुआ याकूब था। तो प्रभु ने बड़ों को छोटा किया और प्रभु ने छोटों को ऊंचा किया, और उसको एसाव की तरह वस्त्र पहनाए। और एसाव जो अपने कर्मों पे चलकर सोचता था कि मैं इस लायक हूं पहलौठे के अधिकार का, जिसने उस शरीर के भोजन के लिए युवावस्था में अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया था, प्रभु की यही इच्छा थी कि छोटे को अधिकार मिले। जो बड़ा बनेगा, जो अपने कर्मों पर घमंड करेगा, वो छोटा किया जाएगा। परंतु जिस छोटे को बड़ों के चरणों में होना चाहिए, प्रभु ने उसको ऊंचा किया, याकूब को ऊंचा किया। तो वहां हम लोग देखते हैं चेलों को प्रभु कहता है तुम ही इन्हें खाने को दो, और हम लोग देखते हैं कि 12 टोकरियां उठाकर कैसे प्रभु 12 टोकरियां भरकर उनको 50-50 की पंक्ति बांटकर खिलाता है 5,000 की भीड़ को। 5,000 तो पुरुष थे, उनकी महिलाएं बच्चे थे।
और जब वो खा के तृप्त हो जाते हैं उसके बाद भी प्रभु कहता है इनमें से कुछ भी फेंका ना जाए, और जो बचे हुए थे उनमें से वापस 12 टोकरियां भर जाती हैं। तो जो प्रभु के सहभागी हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, चिंता ना करें, प्रभु आपको देंगे। हमारे लिए भी होगा, जितने हमारे पास आए हैं कोई खाली हाथ नहीं जाएंगे, उस आशीष में सहभागी बनेंगे, उस जीवन की रोटी जीवन का जल में सहभागी बनेंगे, उस प्रभु के आशीष को ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे और उस टोकरियों में भर के आशीष पाएंगे, इज़राइल के परमेश्वर के संतान के रूप में, 12 जातियों में, 12 गोत्रों में, याकूब के संतानों में, निज संतानों में, परमेश्वर के मंदिर यीशु मसीह में। और हम लोग देखते हैं वो टोकरियां वापस भर जाती है चेलों के पास, जो हमने प्रभु में पाया है, प्रभु के सुसमाचार में हर एक ने खाया है, हमारे हाथों से, प्रभु के हाथों से हर एक का बचा हुआ, माने हर एक की ओर से आशीष हमारे टोकरी में आई है। जिन्होंने प्रभु में बोया है, प्रभु के द्वारा पाया है, और उनको सुसमाचार सुनाया है और उनकी सेवा की है, यदि भी हम उसके काबिल नहीं थे चेलों के समान विश्वास में काम में, परंतु प्रभु ने हमें चुना है और उस लायक बना देंगे कि हम उनको देंगे, खुद भी पाएंगे, और हर एक जहां हम वचन का प्रचार करते हैं उनके द्वारा हम सुसमाचार की आशीष को टोकरियों में भरेंगे, अनंत जीवन की टोकरियों में। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि 4000 की भीड़ को खिलाता है, परंतु यहां एक मेल चिन्ह छुपा हुआ है, वो ये है कि 5 रोटी 2 मछली उस बालक के पास था, किसी बड़े के पास भोजन नहीं था, एक नन्हे से बालक के पास 5 रोटी 2 मछली थी। वो 5 रोटी और 2 मछली वो सबत के परमेश्वर को, जिसने 7वें दिन को पवित्र ठहराया, उसको दर्शाता है। जिसके पास सबत का परमेश्वर का विश्वास है उसके पास सब कुछ है, प्रभु ने बालकों को चुन लिया है कि अपना राज्य दे, अपना सुसमाचार की रोटी दे, अपना उद्धार दे, और वो 12 टोकरियां उनको इज़राइल के संतानों में चुने जाने का प्रतीक था। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं जब 4000 की भीड़ होती है वो 7 टोकरियां उठाता है प्रभु। तो पहले बार 12 टोकरियां और फिर 7 टोकरियां जब 4000 की भीड़ को खिलाता है, 4000 पुरुष थे, उनकी महिलाएं स्त्री थी, वहां जो 7 टोकरियां थे वो प्रभु के द्वारा हमारा सारा जीवन का आपूर्ति होगा, इस जीवन से अनंत जीवन, इस बात को दर्शाता है। तो आज का जो भी हमने वचन पर संदेश जो सुना है, जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है, हम नहीं कहते, हम नहीं मानते कि हम कहते हैं, हम खुद प्रभु के चेले हैं, वरन जितने यहां उपस्थित हैं और आप सबों में हम छोटे से छोटे हैं, प्रभु आप हम में कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के मांस और लहू के द्वारा, और हम जो कुछ ही सालों पहले विश्वास में आए हैं, हमें 7 साल हुए हैं विश्वास में आने में, कहने को तो हम 29 साल से 28-29 साल से मसीही कहलाते हैं, परंतु हमारा चाल चलन लगभग 22 सालों तक अन्य जाति के रूप में था। फिर एक अद्भुत घटना हुई और प्रभु ने आज से 7 साल पहले हमारा जीवन को बदलना चालू किया, और इस भाई का जीवन आज से 3 साल पहले बदलना चालू किया, यह भी मसीही था 26 सालों से, परंतु प्रभु ने इसका जीवन 3 साल पहले बदलना चालू किया। आज प्रभु में इतना आशीष पा चुका है, आज इनके द्वारा एक YouTube चैनल चलाया जा रहा है, ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड, आप लोग जाके देख सकते हैं, इसमें ये भाई भी सहभागी, हम भी सहभागी हैं, और ये जो GL चर्च कलिसिया के, युवा कलिसिया के एक सदस्य हैं, जो वहां क्लासेस भी लेते हैं, युवाओं के बीच में लोग इनको जानते हैं, आज प्रभु इनके द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा है। तो हम सभी जो आज उपस्थित हैं ये प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम में कि प्रभु हर एक को बहुतायत की आशीष दे, हर एक को बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे, जो भी कमियां त्रुटियां भले हम में रह जाती है लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हमारी निर्बलताओं दुर्बलताओं में प्रभु सामर्थी है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन जो 2-3 बार फॉल्ट हुआ, क्योंकि हम लोग एक भाई के कमरे में कर रहे हैं, वो जो ऊंचाई पे है, यहां थोड़ा सिग्नल का फॉल्ट था, फिर हमने वाईफाई कनेक्शन लिया है और कनेक्शन को दुरुस्त कराया है और इस कार्यक्रम को करने पा रहे हैं, और क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभी हमारे सारे दोस्त और दोस्त जो आ सकते थे गिटार विटार के साथ वो नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थ्य इतना दिया, ऊर्जा इतना दिया है कि हम उसके वचन से ही भरपूर के सारी महिमा कर रहे हैं। और जो हम लोग आखिरी गीत गाना चाहते हैं, जीवन रूपी मोर रोगा है, इसके साथ हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग एक परिवार होकर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में एक से एक आत्मा होकर बहुतायत की आशीष को रिसीव करेंगे, और जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हो चुकी हैं या हो जाती हैं बीते दिनों में, आज के दिनों में, आने वाले दिनों में, सारा बहुत चिंता प्रभु को डाल देंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। ये कोरोना वायरस का काल हमारे, हम जो विश्वासी चुने गए हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए हम लोग इस गीत को गाके इस प्रोग्राम को समाप्त करें। गीत के बोल हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हर एक कोई इस गीत को गाए और इस संदेश को सुनकर प्रभु में महिमा में आनंदित हो जाए और लीन हो जाए आत्मा और सच्चाई से, और अपनी कमियों को प्रभु के सामने रख दे, और हमारी कमियों को भी प्रभु के सामने रख दे, क्योंकि हम सब छोटे में से छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि पहला पिछला होगा और पिछला पहला होगा। आइए हम लोग गीत गाते हैं।
जीवन रूपी मोर ढोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर ढोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे संकट और दुख आला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे संकट और दुख आला। संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चला मने डोंगा में जात रहे आंधी तूफान आला। जेखन तोर चला मने डोंगा में जात रहे आंधी तूफान आला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस संदेश को सुनने के लिए और इन गीतों को सुनने के लिए। आज का वर्डन वर्शिप का प्रोग्राम सारा प्रभु की ओर से था। प्रभु तुझको महिमा मिले, तूने दिया तूने लिया, तेरा ही धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में क्रिस्त हालेलुया। सारी महिमा पिता परमेश्वर यहोवा को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा होए। और हर एक सुनने वाला हम सब के द्वारा और हम सब में होकर बताने वाला प्रभु ही है। हम सब की संगति में होकर और हम उन सुनने वालों के द्वारा प्रभु के बहुतायत की आशीष को, पहले से पिछले तक बहुतायत की आशीष को पाए। और जो आगे का जो कार्यक्रम है, आगे जो भी प्रीच का कार्यक्रम है और भी जो वर्शिप का कार्यक्रम है, जो और भी जो मैसेज का कार्यक्रम है, प्रभु उनको बहुतायत से अपने हाथों में ले ले, सामर्थ्य हाथों में, और उनको बहुतायत से आशीषित करे और फलवंत दाखलता की तरह अपनी डालियों में
यीशु मसीह में जीवन के रूप में फैलाए और बहुत आयत की आशीष पाएं आप सब अपने परिवार साथ, बहुत आयत की आशीष पाएं और अपनी कमियों के लिए प्रभु से माफी दुआ मांगे और हमें भी जो कमियां रह गई हमें भी माफ कर दे और हमारे लिए भी प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थनाएं करें। बताते जाने के पहले, ये भाई आशीष टोपो गुमला से है, मेरा नाम असीम विजय लकड़ा रांची से है और ये निशित टोपो भी गुमला से है। हम सब जीएल चर्च कलीसिया के सदस्य हैं और आज बहुत ही आनंदित है, प्रभु की महिमा में हमें पहला मौका मिला अगापे वर्शिपर को, हम बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं इस सेवा का मौका देने के लिए और ये पहला हमारा लाइव प्रोग्राम है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और रेवरेंड संदीप सीमान तिर्की को, उन पादरी साहब के द्वारा, उनके द्वारा हमें यह मौका मिला, प्रभु ने उनको अगुवाई दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कलीसिया को और सारे सुनने वालों को और हमारे सहभागी भाई बहनों को, इस संदेश के साथ हम इस मैसेज को खत्म करते हैं, आमीन।